सपनों का बोझ बहुत भारी होता है और बिहार के नेता सपने बेचते हैं और यहाँ के लोग उस सपनों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि उनका उबर पाना नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी ने अपने डिजिटल रैली या यूं कहें कि सम्मेलन में ये कहा कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि आगामी चुनाव के बाद अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो पानी मुहैया करवाएंगे। किस लिए? तो खेती के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह लगातार काम कर रहे हैं और वो लोग गलत हैं और वो गलत बोलते हैं जिन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने पहली दफ़ा तो बहुत काम किया लेकिन अगले दो दफ़ा कार्यकाल में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह हर कार्यकाल में पहले से ज़्यादा काम किया है। उन्होंने एक और बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि 90% बात डेवलपमेंट की जनता से की जाए और महज 10% बात 2005 से पहले की सरकारों की करें और उनकी नाकामियों की बात करें। तो हमें उन्हें आईना दिखाना भी ज़रूरी लगा, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हम 5 मुद्दों पर बात करेंगे और यह 5 मुद्दे सरकार को आईना दिखाएगी। पहला मुद्दा बिहार में उद्योग का, दूसरा टूरिज्म यानी कि पर्यटन का, तीसरा किसानी का और चौथा शिक्षा व्यवस्था और 5वां स्वास्थ्य व्यवस्था पर होगी। शुरुआत पर्यटन से करते हैं। बिहार में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में पूरे भारत में 2008 में यह 9वें नंबर पर था। कुल विदेशी पर्यटकों का 3.8% सैलानी बिहार घूमने आया। यह आंकड़ा 11 लाख का था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 लाख लोग सिर्फ राजगीर, गया और नालंदा ही पहुंचे। बेशक ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोग बुद्धा सर्किट पर आते हैं। बुद्धा सर्किट कहने का मतलब उन जगहों पर लोग आते हैं जहां बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अवशेष या कुछ धार्मिक स्थल हों, लेकिन इसके अलावा रामायण से जुड़े जगहों, महात्मा गांधी से जुड़े जगहों, जैन धर्म से जुड़े जगहों आदि जगहों पर पर्यटन न के बराबर ही रही। राज्य की राजधानी पटना में 2019 में महज 11,000 के करीब लोग ही आए। सोनपुर मेला, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने पशु मेला के लिए, 2019 में महज 327 विदेशी सैलानी ही यहाँ आए। केसरिया जो कि इस बात का गर्व संभाले हुए रखा है कि वहाँ विश्व की सबसे बड़ी स्तूप है, लेकिन यहाँ के बारे में लोग कम ही जानते हैं। एक और बात, राजगीर बहुत प्रोत्साहित लगता है पर्यटन के मामले में, लेकिन यहाँ भी रत्नागिरी पहाड़ पर नीतीश कुमार ने 2009 में ही 8-सीटर रोपवे की मंजूरी दी थी और इसका समय सीमा 2010 रखा गया था, लेकिन आज 2020 है और यह अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो दोष किसका है? डबल डेकर बसों की पेशकश की गई थी, लेकिन वह आपको यहाँ की सड़कों पर नदारद मिलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस में आधुनिक सुविधाओं का ना होना किस ओर इशारा करती है, जबकि यह मुखिया जी के गृह जिले में आता है। हमारा पर्यटन काफ़ी खस्ताहाल है। खस्ताहाल की एक मिसाल यह देखिए कि बिहार में मौजूदा पर्यटन सूचना केंद्र बेहाल हैं और इस बारे में पर्यटन विभाग के निदेशक राकेश मोहन का मानना है कि इंटरनेट के ज़माने में लोग के पास पर्याप्त जानकारी होती है, लिहाजा वो पर्यटक सूचना केंद्र जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। अब यह सवाल यहाँ पे उठता है कि जब लोग जाने की जहमत उठाते ही नहीं तो आपने पर्यटक सूचना केंद्र बनाया ही क्यों, उसे क्यों बहाल किया? बोधगया को छोड़कर बिहार के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर बेसिक जरूरत की सामान, खान पान, शौचालय मौजूद नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। 2019 में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा यहाँ 1.8 लाख का है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक जरूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी। नीतीश जी, यह आपके पर्यटन व्यवस्था का हाल है। अब एग्रीकल्चर यानी कि किसानी पर बात कर लेते हैं तो 2008-09 के समय अवधि में अगर बात करें तो बिहार के GDP में किसानी का 27% योगदान था और ये अब महज 20% रह गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति अनाज उपज अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है और यहाँ के 60% जमीनों पर ही सिर्फ खेती होती है। मैंने बिहार के कृषि व्यवस्था पर एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो यह वही बिहार है जिसे 2009 में वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस करने के लिए दिल्ली के बाद दूसरा सबसे अच्छा शहर माना था, लेकिन आज जब प्रवासी मजदूर कोरोना काल में
वे भी लौटने के बाद फिर से वापस काम को जा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि जो लोग लौट कर आए हैं उन्हें उनके मेरिट के हिसाब से काम दिया जाएगा, तो वह लोग क्यों लौट रहे हैं? एक जानकारी और साझा कर दूं आपसे कि ट्रेड एंड कॉटन मिल एसोसिएशन ऑफ सूरत ने एक चिट्ठी लिखकर बिहार सरकार से मांग की है कि वह 4 से 5 लाख लेबर जो वहां काम करते थे उन्हें वापस भेज दें। लेकिन क्यों? आप चाहें तो बिहार में उस व्यवस्था को बहाल कर सकते हैं और उन कुशल कारीगरों को नौकरी दे सकते हैं, सरकार के खजाने में पैसा को बढ़ा सकते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर कर सकते हैं और बिहारियों को बिहारी शब्द जो कि बाहर के प्रदेशों में गाली बन चुका है उन्हें उनका स्वाभिमान लौटा सकते हैं। हालांकि अब आपने भी इंडस्ट्री को लेकर बातें करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन यह नींद कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। हमने लालू यादव के 20 साल के कार्यकाल को झेला है और अब एक बार फिर से हमने आपके 15 सालों में बेरोजगारी देखी है। हम मजबूर हैं बाहर जाने के लिए और कमाने के लिए। नीतीश जी, आप खुद मानते हैं कि बिहार में कपड़ा, जूता, बेड, फैक्ट्री, साइकिल जैसे उद्योगों का बहुत स्कोप है। आपने मुंगेर में सिल्क इंडस्ट्री की भी बात की थी और आपने यह भी कहा था कि भागलपुर में भी उद्योग की क्षमता है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कितने कारखाने लगे हैं उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। काम इतने नाकाफी हैं जिसे सुन ही माने तो अच्छा होगा। अब बात शिक्षा की कर लेते हैं तो हाल ही में देश के HRD मिनिस्टर ने पूरे भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की और इसमें बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यह शर्म की बात है। एक आंकड़ा बता दूं कि पूरे भारत के 100 इमर्जिंग कॉलेज के लिस्ट में IIT पटना 26वें नंबर पर है। हो सकता है इस पर हम थोड़ा गर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका इतिहास आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 2016 में यही IIT पटना 10वें नंबर पर था, 2019 में 22वें नंबर पर था और आज 2020 में ये 26वें नंबर पर है। भविष्य में ये पता नहीं ये कहाँ जाएगा। इसके साथ ही बिहार में कॉलेज और यूनिवर्सिटी घनत्व भी अन्य राज्यों के मामले में बहुत कम है। शिक्षक छात्र अनुपात भी अपने निचले स्तर पर है और प्रति लाख एलिजिबल छात्र पर कॉलेज की संख्या यहाँ महज 7 है, जिसका राष्ट्रीय आंकड़ा 28 कॉलेजों का है और कर्नाटक में यह आंकड़ा सर्वाधिक 53 का है। इंटरनेट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार में यह महज 10% है। अब बात स्वास्थ्य व्यवस्था की कर ली जाए। 2019 और 20 के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बिहार सरकार ने केंद्र से मदद मांगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 3300 करोड़ रुपए सरकार के नाम पर आवंटित किया। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य देखिए, बिहार ने कुल आवंटित राशि का महज 50% ही इस्तेमाल कर पाया। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सरकार को दी गई थी, लेकिन NMH के तहत मिलने वाले 3300 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल ना हो पाना बिहार के लिए एक चिंता का विषय है और ये सरकार पे सवाल भी खड़े करती है। आपके सामने मैं एक और आंकड़ा पेश करने जा रहा हूँ जिससे साफ हो जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कितनी सख्त जरूरत है। साल 2019 और 20 में स्टेट हेल्थ सोसाइटी एक रिपोर्ट के अनुसार 17,411 स्वास्थ्य कर्मियों के भर्ती का रास्ता साफ किया था, लेकिन अभी तक 8,549 स्थान रिक्त हैं, मतलब 50%। स्पेशल डॉक्टर के 701 पदों की मंजूरी हुई थी जिसमें 311 पद खाली हैं। जनरल डॉक्टर के 695 पदों पर 349 पद खाली हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के फुल टाइम कर्मचारी के 100 सीट में से 82 सीट खाली हैं। वहीं पार्ट टाइम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी की 102 सीटों में 72 सीटें खाली हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो 4,957 में से 4,351 सीटें खाली हैं। वहीं ANM की बात करें तो 10,886 सीटों में से 3,389 सीटें खाली हैं। बिहार के लिए समस्या यह भी है कि आयुष्मान भारत के तहत 700 हॉस्पिटलों को यहां जोड़ा गया है, जिनमें महज 140 हॉस्पिटल ही प्राइवेट हैं, जो कि महज 20% है। वहीं 560 हॉस्पिटल सरकारी हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार ने अच्छी सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन विद्यालयों को अछूता छोड़ दिया है। बिजली तो दिया, लेकिन इंडस्ट्री को भूल गई है। माफिया और गुंडाराज से थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिली, लेकिन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। योजनाएं तो बनी, लेकिन पर्यटन स्थल खस्ताहाल हो गए।
आश्वासन तो मिला, लेकिन आज मजदूर फिर से अपने काम पर लौट रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।